सुप्रभात बच्चों, मोबाइल से पढ़ना आपको कैसा लग रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि यह प्रश्न मैंने क्यों किया। कल की हमारी कक्षा में हम डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। हम समझ रहे थे कि कंप्यूटर के द्वारा आजकल दुनिया किस विकास की गति से आगे बढ़ रही है, और इस प्रकार विकास की गति की रफ्तार पकड़ते पकड़ते हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। बच्चों, मैंने आपको कल समझाया था कि हम लोग पहले जो विद्या ग्रहण करते थे वो केवल सुनकर करते थे। पहले जमाने में छात्र गुरुओं के साथ आश्रम में रहकर उनके द्वारा कही गई बातों को आत्मसात करते थे, समझते थे, और उन्हीं के अभ्यास के द्वारा वो अपनी शिक्षा दीक्षा को पूर्ण किया करते थे। समय के साथ बदलाव आया तो लोगों ने पेड़ के बड़े बड़े पत्तों पर लिखना आरंभ कर दिया। यहां से लेखन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके पश्चात और विकास हुआ, लोग आगे बढ़े तो इन पत्तों का स्थान कागजों ने ले लिया। आपको पता है कागजों का निर्माण वृक्षों के द्वारा होता है, और जब अधिक संख्या में हमें इनकी आवश्यकता हुई तो हम अधिक से अधिक पेड़ काटने लगे। कल हमने समझा था कि किस प्रकार डिजिटल होने से हमें फायदे हो रहे हैं, और सबसे बड़ा फायदा संगणक अर्थात कंप्यूटर के प्रयोग का। हमें यही नजर आया कि इससे कागज का प्रयोग कम हुआ। टाइपराइटर के द्वारा लिखित सामग्री को काफी लंबे समय तक संभाल कर रखा जा सकता है। संगणक में हम जो है अपनी चीजों को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जिसकी भी हमें जरूरत होती है। अर्थात संगणक के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा आज ये इतनी बड़ी दुनिया बहुत छोटी सी प्रतीत होती है। हम 2 या 3 सेकंड और मिनटों के अंतर पर ही बातचीत कर लेते हैं, अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, घर बैठकर हम क्रय विक्रय कर सकते हैं, हमें कोई भी सामान खरीदने के लिए जो है बाजार नहीं जाना पड़ता। इसके अतिरिक्त अगर हम घर से बाहर निकले भी हैं तो हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम रुपए पैसे साथ में लेकर चले। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके माध्यम से ये सभी चीजें बहुत आसान हो गई है। हम इस पाठ के अंतर्गत यही समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार डिजिटल इंडिया या डिजिटल संसार जो है हमारा, वो हमें विकास की गति की ओर अग्रसर कर रहा है। इस पाठ को पढ़ते हुए हमने जाना कि आज संगणक की दुनिया से अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी किताब को एक छोटे से यंत्र में समाहित कर लेते हैं, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यकता नहीं कि हम किसी स्थान विशेष पर जाएं। जैसे पुस्तकों के लिए हमें ढूंढने के लिए पुस्तकालय में जाना पड़ता है, या अपने घर में मोटी मोटी पुस्तकों का संग्रह करना हो, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। केवल एक छोटे से यंत्र में यह सभी कुछ आ गया है। दुनिया भर की जानकारी हमारे इस छोटे से यंत्र में हो आ जाती है, और इसी कारण हमारी विकास की गति तेज और तेज होती जा रही है। सभी प्रकार के आंकड़े, सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, सब कुछ हमें हमारे कंप्यूटर पर मिल जाता है। अब तक हमने जितना पढ़ा उसके आधार पर हम ये सब बातें स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। अब हम अपनी पुस्तक में आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पुस्तक के अनुसार किस प्रकार आगे हमारे लिए यह यंत्र जो है और अधिक लाभदायक है। आप ध्यान से देखें, आधुने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता ना अस्ति। आप प्रथम पंक्ति से देखें, आपके पेज नंबर 14 पर जो पहली पंक्ति है आप उसमें बड़े ध्यान से देखेंगे तो अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति।
आज बाजार में वस्तु क्रय करने के लिए, वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी रुपयों के स्थान को ले चुके हैं। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते, कि बैंक ने भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को संगणक यंत्र के द्वारा संपादित किया जाता। जी हाँ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ, कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सभी रुपयों के स्थान पर गृहीतवन्तु लिए जाते हैं। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्त कोष अर्थात बैंक, च अपि और भी, कि और विश्व बैंक ने भी सर्वाणि कार्याणि, कि विश्व बैंक में भी सभी कार्य संगणक अर्थात कंप्यूटर के द्वारा ही संपादित यानी कि पूरे होते हैं। आगे देखेंगे, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, रेल यान यात्रा पत्रस्य, वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अर्थात कुत्रापि यात्रा करणीय, प्रारंभ से इसी पैराग्राफ में आप देखेंगे कि कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा पत्र अर्थात रेल यात्रा पत्र होता है रेल का टिकट, वायुयान यात्रा पत्र अर्थात वायुयान की यात्रा का टिकट, सभी जगह इनकी अब आवश्यकता नहीं है। सर्वाणी पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी टिकट हमारे चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल या ईमेल के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्शय वयम् सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णाम, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थ रूप्यकाणां आवश्यक ताद्य न अनुभूयते, चिकित्सालयों में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते, सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम शुल्क अर्थात फीस प्रदातुं शक्यते दी जा सकती है, सभी जगह इसके माध्यम से जो है हम फीस जो देते हैं इन चीजों की वो हम आसानी से दे सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि इन सब चीजों के माध्यम से अब जो है कंप्यूटर या संगणक जो है उसका प्रयोग हम कितनी आसानी से करते हैं, और इसी के माध्यम से हम अपने कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि इस पाठ के माध्यम से हमने संगणक अर्थात कंप्यूटर के डिजिटल होने के कितने फायदे सीखे, कि सर्वप्रथम तो हम वृक्ष के कटाव को कम कर सकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है और स्वच्छ रह सकता है। दूसरे, इसके प्रभाव के कारण आजकल हमें कहीं भी रुपए पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात कि हम अपने इस माध्यम से किसी से भी कहीं पर भी जो है अपना तालमेल बिठा सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं, और साथ ही साथ हम अस्पताल आदि में भी अपनी कोई भी फीस आदि है वह हम इसके माध्यम से जमा कर सकते हैं, और कहीं पर भी यात्रा करते हुए हमें टिकट खरीदने की या टिकट को अपने साथ रखने की भी आवश्यकता नहीं है। इतने सारे फायदे हमारे मोबाइल में या हमारे संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर में है, और यही हम इस पाठ के माध्यम से जान रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आप कंप्यूटर के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे और कंप्यूटर से होने वाले फायदों को लिखेंगे। धन्यवाद।